हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि मेरे जो सीएससी आईडी था वो अप्रूव लगभग हो ही चुका है, और मैंने कैसे विद इन 10 डेज हुआ होगा मुश्किल से टीसी सर्टिफिकेट से लेकर सीएससी अप्रूवल तक का। बस मेरा आईडी पासवर्ड आने को रह गया है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने अप्रूव कर दिया उसको, तो इसका मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। ये मेरा आईडी अप्रूव हो गया है, एक दिन में दिल्ली के हेड क्वार्टर से मेरा आईडी जनरेट हो जाएगा डिजीमेल का भी। तो ऊपर हम टाइप कर लेते हैं CSC। कुछ आया क्या? ठीक है, तो मैंने उनको मैसेज किया था। ये रहा, ठीक है। इसकी डेट देख रहे हो कितनी है, यानी 5 डेज एगो का। ये 5 दिन पहले मैंने सीएससी आईडी के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, 5 दिन के लिए सीएससी, 5 दिन पहले, आई मीन 5 दिन मैंने सीएससी अप्लाई किया था, और ये कल मुझे मेल आता है, आई मीन टुडे, आज आज का है ये, ठीक है, 2:42 का। वेलकम टू सीएससी फैमिली। और ये हो गया, यू विल इन्फॉर्म मी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस रिगार्डिंग टू डिजीमेल आईडी एंड पासवर्ड। रजिस्टर्ड मेल मतलब ये बोला है, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज टू बिकम ए BLE हैज बीन एक्सेप्टेड, मतलब स्वीकार, एक्सेप्टेड, ठीक है, हो चुका है मेरा। यू विल इन्फॉर्म ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस रिगार्डिंग योर डिजीमेल आईडी एंड पासवर्ड। वंस इट इज क्रिएटेड प्लीज चेक योर ईमेल रेगुलरली, ऑल्सो योर सीएससी आईडी पासवर्ड विल बी शेयर्ड ऑन योर डिजीमेल आईडी ओनली। वंस योर क्रेडेंशियल क्रिएटेड यू कैन ऑल्सो चेक हियर फॉर्म, ठीक है, हम इसको चेक करते हैं मेरा स्टेटस क्या है। क्लिक करेंगे क्रोम पे, देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बेटर मैनुअली टाइप कर लें CSC स्टेटस। ये क्या है, स्टेशन दिखा रहा, ये भी ओपन हो जाएगा। अप्लाई पे न्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक पे क्लिक करते हैं। ये रेफरेंस नंबर मैंने अपलोड कर दिया, और ये 3 कैप्चा कोड डाल दे रहा हूँ। योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस फॉर मोर डिटेल, ठीक है। मेरा विद इन से, आई कैन से एक्चुअली मुझे लगता है ज़्यादा दिन हुआ होगा, और इसके बाद में वही हो जाएगा, इसको 2 या 3 दिन के अंदर मेरा CSC ID जनरेट हो जाएगा। आपको कैसे CSC ID लेना है और कैसे इतनी जल्दी से अप्रूव करवाना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है, बाय बाय।